देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित होता है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे 2 गुना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा, 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, 4 कुंडव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1000 प्रस्थ नैवेद्य निवेदक किया जाए तथा जल तेल आदि गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखनी चाहिए। उन शिवलिंगों को महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदक करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तंबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले होते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे, फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनमें अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज श्री गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को सुनने आदि भाद्रपद मासों में, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पोष मास में शत भिक्षा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 सहस्त्र दिनों में 100 सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला कार्य नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन एवं भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव की पूजा को आत्म शुद्धि प्रदान करने वाली समझनी चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और रक्षा नहीं होता, इसलिए पूर्ण ब्रह्म रूप मानना चाहिए। सूर्योकाल से लेकर सूर्योकाल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि भूभाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक स्थिति रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जाप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है, पूज्यते अनेन इति पूजाः। यह पूजा शब्द की व्यत उत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि है, जिसमें कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान से ये अभिष्ट वस्तुएं सकाम है। भाव को ये अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ परमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता होती है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है और नित्य नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देने वाला होता है, किंतु काम्य कर्म फल आदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फल देने वाला होता है। प्रतिदिन 1 पक्ष, 1 मास, 1 वर्ष लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और वैसे ही पापों का क्रमशः नाश होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई
महागणपति की पूजा, एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली, एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली, चैत्र मास में चतुर्दशी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है। और जब सूर्य सिंह राशि पर हो उसमें भद्रपाद की चतुर्थी को श्री गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रवण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को, माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भद्रपाद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान श्री विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रवण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडशोपचार पूजन कराता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाला होता है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो उस समय दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाआद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उन अवसरों पर भी श्री शिव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई भगवान शिव की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्य की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआद्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में भगवान शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम जम और नियम आदि द्वारा समस्त देवताओं को 16 उपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मण को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देवराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करें और तेल तथा सूती वस्त्र आदि देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे काली मिर्च वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ भगवान शिव का पूजन मनुष्य के महान दरिद्रता को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला होता है। घर की आवश्यकता सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त होती है। उनके मुंह से निकली हुई एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है।
जाता है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से श्री ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु सोना और घी का दान करने से मनुष्य भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन श्री गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानव के भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने के बाध्य को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना दिग्गजों नागों और सेतुपालों का पूजन त्रिनेत्रधारी रुद्र पाप हरि भगवान विष्णु तथा ज्ञानदाता भगवान ब्रह्मा आराधन और धनवंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग दुर्मृत्यु और अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा कलिकालिक व्याधियों की शांति हो जाती है।